Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So, आज ये वीडियो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट आप लोगों को देने के लिए बना रही हूँ. एंड द न्यूज अपडेट इज कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा है. एंड द प्रपोजल इज कि दे आर प्लानिंग कि जैसे टैक्स ऑडिट लिमिट्स को गवर्नमेंट ने बढ़ाया. अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करूँ तो पहले आपका अगर 1 CR से ज्यादा टर्नओवर होता था तो आपका टैक्स ऑडिट होता था. फिर उसको बढ़ा के 5 CR किया गया और अभी 2021 में उसको बढ़ा के 10 CR किया गया. उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल रखा है कि क्यों ना स्मॉल कंपनीज के लिए जो स्टैट ऑडिट होता है इन कंपनीज एक्ट, उसको हटा दिया जाए. तो ये जो प्रपोजल है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए रखा गया है. तो ये जो कदम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लागू हो गया तो इसमें अब रहेगा प्रोसेस क्या रहेगा कि पहले क्या होता था कि आपका जो ऑडिट अकाउंट्स होते थे वो ऑडिट होते थे और उसको CA सर्टिफाई करता था और तब वो ROC पे अपलोड होते थे. अगर ये चीज लागू हो गई तो जो आपके अकाउंट्स होंगे उसको फिर CA की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर जो है कंपनी का वो अकाउंट्स को सर्टिफाई करके MCA पे अपलोड कर देगा. तो ये तो देखिए ऑल द गवर्नमेंट की जो मंशा है वो चाह रहे हैं ऐसा करना, इसलिए कि दे वॉन्ट की ईज ऑफ बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आप इस चीज को समझेंगे, अगर आप ऑडिट के मकसद को समझेंगे, तो फ्रेंड्स ऑडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक कॉस्ट है या फिर जस्ट एक CA सर्टिफाई कर रहा है इसीलिए ऑडिट हो रहा है. नहीं, ऑडिट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक सेट ऑफ अकाउंट्स बनाती है और उसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो चेक करता है. वो आपका जो एक ड्यूअल चेक की जरूरत होती है उसको, उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है कि अकाउंट्स को बनाने वाला कोई और होता है और उसको फिर चेक करने वाला कोई और होता है, जो कि यहाँ पे हमारे केस में CA होता है. अगर ऑडिट हट जाएगा सबसे पहले तो वो चेक हट जाएगा, क्योंकि अभी अब उसमें सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि मैनेजमेंट उसको बना रही है, उसको चेक कोई नहीं कर रहा. और दूसरी चीज कि हम खाली टर्नओवर को और यहाँ पे कैपिटल को क्राइटेरिया रख रहे हैं. ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी में कोई हवाला ट्रांजेक्शन हो, उसको कौन चेक करेगा. और एक चीज और है कि अभी जैसे कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनको बैंक्स बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं. वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो ऑडिटेड होते हैं, वहां पे CA की स्टैंप होती है. अगर ऑडिट हट जाएगा और अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो यहाँ वहां पे फिर बैंक ही कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अकाउंट्स, क्योंकि अब वो ऑडिटेड नहीं रहे तो वो उतने रिलायबल नहीं रहेंगे जितने की अगर वो CA सर्टिफाइड होते तो होते. तो ये कुछ मुझे लगता है चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट को आएंगे अगर ऑडिट हट जाएगा तो. और ये रीजन है कि मैं समझती हूँ कि ऑडिट नहीं हटना चाहिए. बट यस, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ और हो एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. सो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई व्यूज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.